एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम टू आर केमिस्ट्री क्लास। और आज हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पांचवा लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें जो कंपाउंड्स हमारे बचे हुए हैं और इंपॉर्टेंस है उसके हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है हमारा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। कल हमने नेगेटिव कंटेनिंग कंपाउंड्स का लुईस स्ट्रक्चर ड्रा किया था, आज पॉजिटिव भी आ गया। देखिए इसका कैसे ड्रा करें। सबसे पहले क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 है, सो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस ऑक्सीजन का होता है 6, ओके ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है। उसके बाद से चार्ज का देखिए, अगर इस पर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा सो हम उसे ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसे माइनस करेंगे। सो प्लस का 1 चार्ज है यहाँ पे, इसे करेंगे माइनस का 1। एजुकल्स टू टोटल कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 3, 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या करना है, सेंट्रल एटम चूज करना है। सो जो लीस्ट इन नंबर होता है उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। सो लीस्ट इन नंबर सबसे कम कौन है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन बनेगा यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम। सो ये हो गया ऑक्सीजन। अब क्या करना है, सिंगल बॉन्ड ड्रा करेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 6 हैं। कितना है टोटल, 8। 8 में से 6 आएगा, कितना बचेगा, 2। 2 मतलब एक लोन पेयर हमारे पास यहाँ बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। सो ये हो जाएगा इस पर। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो साइड वाले एटम पे जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। ये है लुईस डॉट या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। NH4 प्लस का कैसे बनाएंगे, अमोनियम आयन का। NH4 प्लस क्या बोलते हैं इसे, अमोनियम आयन। ओके सेम इसमें भी करना है। सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन के पास टोटल होता है 5, कितना होता है 5। प्लस हाइड्रोजन के पास 1, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे इसे, प्लस चार्ज है तो माइनस करेंगे, माइनस 1। टोटल कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 होगा, माइनस 1, 8। ओके अब क्या करना है, सेंट्रल एटम चूज करना है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा लीस्ट इन नंबर है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, लीस्ट इन नंबर। सो जो लीस्ट इन नंबर होगा वो होगा सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। सिंगल बॉन्ड ड्रा कीजिए, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 8। देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। सबकी वैलेंस यहाँ पे कंप्लीट है। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी कंप्लीट है, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे जाता है, सेंट्रल एटम पे। सो इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं SO3 का, ठीक है। SO3 का इसका कैसे हम बनाएंगे, SO3 का सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, सल्फर का कितना होता है टोटल, इसका 6 होता है। प्लस ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 6 कितना ऑक्सीजन है 3, कितना हो गया 6, 3, 18 और 6 कितना हो गया 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ओके। अब क्या करना है, सेंट्रल एटम चूज करना है। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। जो लीस्ट इन नंबर में है वो है सेंट्रल एटम, ओके। सो ये हो गया सल्फर। अब क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड ड्रा कीजिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने बॉन्ड पेयर खत्म हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे चले गए। 24 में से कितने गए, 6 बचा, कितना 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 18। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लोन पेयर पुट करेंगे किस पे, साइड वाले पे पहले देते हैं, उसके बाद में सेंट्रल एटम पे देते हैं। सो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड
18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना, वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। इसका ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ से 6 ये हो गया, ये 7, ये 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बट सल्फर का यहाँ पे ना ऑक्टेट कंप्लीट है ना कोवैलेंसी इसकी कंप्लीट है। कोवैलेंसी इसका होता है 6, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा 2, 4, 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 तो होता नहीं है, यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, 3 नहीं होता है, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ओके। सो ये स्ट्रक्चर अभी सही नहीं है हमारा, इसका ना तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है ना ही कोवैलेंसी ये शो कर रहा है, मैक्सिमम जो इसको शो करना है 6, ओके। सो फिर से हम इसे ड्रा करते हैं, क्या करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ से रिप्लेस करते हैं, एक यहाँ से फॉर्म करते हैं डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा हमारा, नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल लोन पेयर कितना बचा है यहाँ पे, कितना ख़त्म हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना गया, 12, टोटल कितना है 24। अब यहाँ पे लोन पेयर रखिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, टोटल हमारा कंप्लीट हो गया है 24 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 4, 4, 8 एंड 12, 12 यहाँ से ख़त्म हो गया था, 12 यहाँ से कितना था 24। अब देखिए वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट है, 4 हो गया, 4 इधर से 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8। सल्फर का, अब देखिए सल्फर की कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 6 है, 6 बॉन्ड ये बना है, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है, ऑक्टेट तो इसका ज़्यादा हो गया है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 4, 8, 4, 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल यहाँ पे ब्रेक हो गया, सल्फर यहाँ पे 6 कोवैलेंसी शो करेगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है। सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3, ओके। चलते हम नेक्स्ट, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं PO4 3- का, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसका कैसे ड्रा करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के पास टोटल होता है 5 प्लस ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6, कितना ऑक्सीजन है 4। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव रहेगा तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो माइनस कर देंगे, सो क्या हो गया प्लस 3, टोटल कितना हो जाएगा 24 और 5 29 और 3 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए टोटल। अब देखिए अब क्या करना है, सेंट्रल एटम यहाँ से चूज कीजिए, सेंट्रल एटम लीस्ट इन नंबर है फॉस्फोरस, सो फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम पी, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है टोटल 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 गया, सो बचेगा कितना 24 बचेगा यहाँ पे, 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, ओके। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी सबका कंप्लीट है ऑक्टेट, बट फॉस्फोरस का क्या, फॉस्फोरस का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट इसकी कोवैलेंसी, ये कोवैलेंसी इसका 4 नहीं होता है, 5 होता है, 3 होता है और 5 होता है, सो इसकी कोवैलेंसी कितनी चाहिए हमें, 5 चाहिए। ऑक्टेट भले ही से ज़्यादा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकता है, बट इसकी कोवैलेंसी भी होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है 5। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लोन पेयर रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे फॉर्म कर देंगे डबल बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, नीचे देख लेते हैं, देखिए क्या बनेगा, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसकी कोवैलेंसी कंप्लीट है जो प्लस 5 शो करता है, ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे टोटल काउंट कर लीजिए, टोटल हो गया हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है। अब क्या माइनस चार्ज, माइनस चार्ज किस पे जाएगा, इस पे माइनस का 3 चार्ज है, ठीक है,
तो माइनस का थ्री चार्ज इजी है, देखिए यही सिंगल बॉन्ड तीन ऑक्सीजन बनाया है, इस पर जाएगा माइनस का चार्ज। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, हमने कैलकुलेट करना फॉर्मल चार्ज सीखा है लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, वहाँ से सीख सकते हैं। डायरेक्ट देखिए, जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाया है सो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो होगा। फॉस्फोरस पर भी जीरो है। जब वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है सो उस पर माइनस वन का चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, तो तीनों ऑक्सीजन पे -1 -1 -1 चार्ज आएगा। टोटल जो स्पीसी पे चार्ज होगा वो -3 होगा, ठीक है। सो कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे और एक माइनस इस पे। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑफ PO43-। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं, वेट, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 हम यहाँ पे ले लेते हैं, SO3-2-, SO3-2-। इसके पहले क्या था, SO3 था, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बस ये SO3, बट ये SO3-2- है। इसका कैसे, फर्स्ट क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं हम, ओ गॉड, ओके। सो सल्फर का कितना होता है, टोटल 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका भी 6, कितना ऑक्सीजन है 3। अब माइनस का 2 चार्ज क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 18 90 20 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब क्या, चूज द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर लिस्ट इन नंबर, सो हो गया सल्फर, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है, कितना गया, 1 2 3 4 5 6। इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना गया, 6 बचा, कितना, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल है कितना, 20 90 20। अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी, सल्फर की कोवैलेंसी कितना होता है, ये 6 शो करता है, 6 कोवैलेंसी, +2 +4 +6, ओके। सो यहाँ पे इसका कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 5, इसको चाहिए कितना, 6 शो करेगा, 6 कोवैलेंसी इसको शो करना है। और यहाँ पे देखिए ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है बट कोवैलेंसी कंप्लीट नहीं है। सो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका, बट इसकी कोवैलेंसी नहीं कंप्लीट है। सो यहाँ से एक लोन पर हटाएंगे, यहाँ पे फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे माइनस का चार्ज भी तो लाना, 2 माइनस का चार्ज इसी दोनों पे आएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस 1 लोन पेयर। कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल इसका कोवैलेंसी 6 है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया और 4 बॉन्ड हो गए। इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब माइनस चार्ज किस पे आएगा, चार्ज सी बात है, इस पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया तो इसी पे आएगा माइनस का चार्ज, एक माइनस चार्ज इस पे, एक माइनस चार्ज इस पे। जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे सो निकल जाएगा, हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बताया है, अभी हम बोले हैं, ठीक है। सो इस पे 0 चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज इस पे 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा -1। टोटल चार्ज कितना था इस पे, माइनस का 2 चार्ज टोटल था। सो इस पे कैलकुलेट करेंगे -1 इस पे -1 इस पे, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, नाइट्रिक एसिड का, एग्जाम्पल नंबर 7, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का कैसे ड्रा करेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसका लुईस स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास टोटल 1 होता है, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है ये, नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होता है, मल्टीप्लाई 3, टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो गया, प्लस 90 एंड 5 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24। अब देखिए सेंट्रल एटम चूज करना, सेंट्रल एटम लिस्ट इन नंबर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है, ठीक है। सो ड्रा करते हैं, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ना है हमें, ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, मैक्सिमम 4 होता है, हमेशा इसका यूजुअली जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, +3, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 से 8 इलेक्ट्रॉन हमारा खत्म हो गया, टोटल बचेगा कितना, 16 बचेगा,
एट, टोटल कितना बचेगा 16, 16 यहाँ पे पुट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. अब देखिए वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है, 8 हो गया ना, 4 इधर हो गया, 2 इधर, 2 इधर, 6, 8, ओके इसका भी कंप्लीट है इसका भी, बट नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है यहाँ पे, अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है 4 होता है, सो यहाँ से हम एक रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड, देखिए कैसे बनाएंगे, हो गया नाइट्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके चार्ज कितना बचा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोवेलेंसी ज़्यादा हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी हो गया, सबका कंप्लीट है। अब देखिए नाइट्रोजन जब 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसी तरह से नाइट्रोजन भी जब 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड है तो उस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, 2 से कम बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा प्लस का 1 चार्ज, इस पर आएगा माइनस का 1 चार्ज, और दोनों कट के क्या हो जाएगा न्यूट्रल, जो स्पीसीज हमारा क्या था HNO3 न्यूट्रल था, ओके सो ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे सो इस पर 0 आएगा, इस पर भी 0 आएगा, इस पर प्लस का 1 आएगा, इस पर माइनस का 1 आएगा, कैलकुलेट करना हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब एप्पल हम ले लेते हैं 8 ओजोन का, O3 इसको बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं ओजोन, इसका कैसे बनाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है ऑक्सीजन का, 1 होता है 6, कितना है 3, टोटल हो गया 18, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना खत्म हुआ 1, 2, 3, 4 गया, माइनस 4, टोटल बचेगा कितना 14 इलेक्ट्रॉन बचेगा, पुट कीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, ओके इसकी वैलेंसी कंप्लीट है 8, इसकी भी कंप्लीट है बट इसकी कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्टेट देखना हमें, ठीक है, पहले ऑक्टेट देखते हैं फिर वैलेंसी देखते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या करेंगे एक लोन पेयर को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर देखिए नीचे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4 इधर से एक गया, 1, 2 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखिए जब ऑक्सीजन 2 से अधिक बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब 2 से कम बनाता है यानी कि 1 बनाता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे इस पर प्लस का 1 आएगा, इस पर माइनस का 1, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, सो इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इसका 2 स्ट्रक्चर हम शो कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस बार ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पर हो जाएगा माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, इस पर हम चार्ज शो भी कर सकते हैं, नहीं भी शो कर सकते हैं, जब फॉर्मल चार्ज की बात होगा तब इस पर प्लस 1, इस पर माइनस 1, ओके सो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। अब सारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है।